हेलो। और दोस्तों दोस्तों इसमें इसमें जो जो हमारा हमारा भाई भाई से आता जाता है, है इको इको के के साथ साथ आता आता है, है, जैसे जैसे कि कि आपको आपको सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा होगा, होगा, ये ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा इसमें इसमें वॉइस वॉइस आ आ रहा रहा है। है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस MP3 मॉड्यूल के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है दोस्तों, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आप ही के लिए ऐसा सब वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके खासियत के बारे में बता दूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम इसको बैक साइड में देखते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या क्या मिलता है। तीन कनेक्टर यहाँ पे मिलता है, जो कि रेड वाला हमेशा सप्लाई के लिए होता है, जिसमें आप 3 वोल्ट से 5 वोल्ट इसमें DC दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दो कनेक्टर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे स्पीकर लेफ्ट और राइट का है, मतलब ये हमारे डुअल चैनल का ये बोर्ड है। और यहाँ पे बड़ा सा माइक का सॉकेट है, ठीक है। तो बस पीछे बस इतना ही था। यहाँ पे देख सकते हैं FM एंटीना का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है, ये लेफ्ट और राइट का ये स्पीकर का सॉकेट है। और यहाँ पे बैटरी का, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ आगे की तरफ देख लेते हैं, तो ये माइक का ऑप्शन सबसे पहले आता है। और ये माइक किस प्रकार से काम करता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो सॉन्ग प्ले है उसमें भी काम करेगा। इसका माइक का जो ऑप्शन है कोई अलग से नहीं है, एक मॉड्यूल था जो कि प्ले और पॉज वाले बटन को प्रेस करके रखते थे, तब वो हमारा माइक का ऑप्शन ऑन हो जाता था। और जैसे इसको प्रेस करके रखते थे तब वो हमारा माइक ऑफ हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सॉन्ग भी प्ले होगा या ऑक्स मोड पे रहेगा, ये आपका माइक काम करेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कनेक्शन करके। और दोस्तों इसका माइक इतना अच्छा है कि आपको इको के साथ यहाँ पे आवाज़ निकलेगा। और इसके नीचे जस्ट IR सेंसर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है जिसमें IR सेंसर का जगह है, लेकिन उसमें कोई रिमोट काम नहीं करता। बट इसमें आपका एक साथ में रिमोट भी यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें रिमोट काम करता है, क्योंकि यहाँ पे IR सेंसर लगा हुआ है। और जस्ट उसके बगल में USB पोर्ट है, उसके ऊपर में मेमोरी कार्ड है, और उसके बगल में यहाँ पे ऑक्स केबल है। जैसे ही इसमें ऑक्स लगाएंगे, ऑक्स मोड पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। और जस्ट उसके बगल में 5 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग जैक लगा हुआ है। उससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम इसमें बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और जस्ट उसके बगल में एक होल है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ये LED दो है, तो दो LED इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि एक ऑन का है और एक चार्जिंग का है। और उसके लिए यहाँ पे बैक और प्ले पॉज के लिए यहाँ पे बटन, और यहाँ पे नेक्स्ट के लिए बटन और मोड चेंज करने के लिए, और ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे ये माइक्रो स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके थोड़े डिटेल्स है, तो चलिए यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसमें स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो स्पीकर लगेगा क्योंकि ये डुअल चैनल का है, तो मैं यहाँ पे इसमें स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ। आप इसमें 5 वाट तक इसमें स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें सप्लाई का यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका कनेक्शन हो चुका है और मैं इसको मैं अब ऑन करता हूँ। यह अभी ब्लूटूथ मोड पे है, यह अभी ब्लूटूथ मोड पे है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे माइक कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आप ये भी कहोगे इसमें कौन सा माइक काम करता है, तो आप इसमें कंडेंसर माइक भी यूज कर सकते हो, जो इस प्रकार का माइक होता है, तो ये भी माइक यूज कर सकते हो। और जो यूट्यूबर लोग रखते हैं जो इस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं अपने वॉइस को, आप ये भी माइक इसमें यूज कर सकते हो। तो इस माइक के लिए एक ऐसा कॉर्ड रहता है जिससे आप ये लगा के माइक को यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले माइक को चेक करके दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छा माइक काम करता है, ये भी ब्लूटूथ मोड पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे मोड को चेंज करता हूँ। ये ऑक्स मोड है, और ऑक्स मोड में आपको चेक करके दिखाता हूँ माइक को। हेलो हेलो, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेलो 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 हेलो। और दोस्तों दोस्तों इसमें इसमें जो जो हमारा हमारा भाई भाई से आता जाता है, है इको इको के के साथ साथ आता है, जैसे कि जैसे कि आपको आपको सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा होगा, होगा, ये ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा इसमें इसमें वॉइस वॉइस आ आ रहा रहा है। है। हेलो। तो तो चलिए चलिए अब अब मैं मैं आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे सॉन्ग सॉन्ग के के साथ साथ माइक माइक काम काम करेगा। करेगा। तो तो दोस्तों दोस्तों ये ये सभी सभी मोड मोड पे पे काम काम करेगा, करेगा, बस बस आपका आपका ये ये
तो चलिए मैं यहाँ पे इसे सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे यूएसबी को लगा लेता हूँ। हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा सॉन्ग में नहीं काम करेगा। यहाँ पे सॉन्ग प्ले है और सॉन्ग का जो वॉइस है दोस्तों मैंने कम कर रखा है ताकि आपको पता चल सके मेरा साउंड का। हेलो चेक, हेलो, आप सॉन्ग के साथ यहाँ पे माइक यूज कर सकते हो। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हेलो 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 देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें सॉन्ग प्ले रहता है फिर भी आपका ये माइक काम करता है, तो ये एक इसको आप एक सिंगिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे पर्सनली ये मॉड्यूल बहुत ही अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बोर्ड कैसा लगा। तो दोस्तों इसमें रिमोट भी काम करता है कुछ इस प्रकार का, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिमोट भी इसमें काम करेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मोड को चेंज करता हूँ, FM mode, AUX mode, Bluetooth mode। तो दोस्तों इसमें रिमोट भी बहुत अच्छा से काम करता है। तो आप इस प्रकार से दोस्तों इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।